एक ऐसा फूड आइटम है जो डायबिटीज में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो कौन सा फूड आइटम है? आज उस फूड आइटम के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को एक फूड आइटम हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो वो कौन सा फूड आइटम है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये जो आइटम है ये ग्लूकोज से भी ज्यादा डेंजरस है, और कोई भी फूड प्रोडक्ट डायबिटीज में ठीक है या नहीं है वो हम कैसे पता लगाते हैं? उसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो है ग्लाइसेमिक लोड का। तो ऐसा फूड आइटम जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम है वो डायबिटीज के लिए ठीक है, और ऐसा फूड आइटम जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है वो डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है। तो आज जिस फूड आइटम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है माल्टोडेक्सट्रिन। ध्यान से सुनिएगा, माल्टोडेक्सट्रिन। ये जो माल्टोडेक्सट्रिन है ये कौन से बनता है? जो कॉर्न, हम मक्का जिसको कहते हैं, तो कॉर्न जो स्टार्च है उसका एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस क्या मतलब कि जो कॉर्न से जो स्टार्च निकला उसमें पानी मिला देते हैं, उसमें एंजाइम मिला देते हैं और एंजाइम्स जो है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उससे ये माल्टोडेक्सट्रिन नाम की ये शुगर निकालते हैं। अच्छा, माल्टोडेक्सट्रिन मैं ये डेंजरस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड ग्लूकोज से भी ज्यादा है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक लोड कितना है? ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100, और ग्लूकोज में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100, तो कितना हुआ 100। तो इसका मतलब ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक लोड 100 है 100 ग्राम ग्लूकोज का। ऐसे ही 100 ग्राम अगर हम माल्टोडेक्सट्रिन का देखें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 है, और कुछ वैरायटी माल्टोडेक्सट्रिन की ऐसी भी हो सकती है जिनका और ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर माल्टोडेक्सट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 है तो ग्लाइसेमिक लोड कितना हुआ? टोटल कार्बोहाइड्रेट 100 मल्टीप्लाइड बाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 डिवाइड बाई 100, तो टोटल कितना हुआ 110। तो 100 ग्राम माल्टोडेक्सट्रिन का ग्लाइसेमिक लोड ग्लूकोज से भी ज्यादा 110 हुआ। और दूसरी तरफ आप देखिए चीनी का शुगर, जो व्हाइट शुगर होता है, तो 100 ग्राम अगर हम शुगर लेते हैं तो उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट हो गया 100 और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया 65 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 65। तो जो ये शुगर फ्री के नाम पे माल्टोडेक्सट्रिन बेचा जाता है इसका ग्लाइसेमिक लोड तो आप देखिए चीनी से ऑलमोस्ट डबल है, तो ये कैसा शुगर फ्री हुआ? आप देखेंगे कि माल्टोडेक्सट्रिन कहां पे मिलता है, ज्यादातर जो डायबिटीज के लिए जो प्रोटीन पाउडर होते हैं उसमें मिलता है माल्टोडेक्सट्रिन। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको डायबिटीज है तो लेबल पढ़ना कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने से पहले बड़ा ही जरूरी है, और डायबिटीज फूड प्रोडक्ट खरीदते समय लेबल में क्या ध्यान रखें उसके लिए आप डायबेक्सी का ये वाला वीडियो देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए आप। तो जो डायबिटीज के जो प्रोटीन पाउडर होते हैं उसमें माल्टोडेक्सट्रिन मिला होता है। अच्छा, माल्टोडेक्सट्रिन जब मिलाते हैं तो शुगर फ्री की कैटेगरी में आ जाता है, शुगर की कैटेगरी में नहीं आता, और ये शुगर से 2 गुना ज्यादा डेंजरस है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुगर जो सुक्रोज है उसमें 50% ग्लूकोज होता है और 50% फ्रुक्टोज होता है। ये सुक्रोज शुगर की डेफिनेशन आ गई। और जो माल्टोडेक्सट्रिन है ये 100% ग्लूकोज है, सारे के सारे मॉलिक्यूल इसमें ग्लूकोज के होते हैं, लेकिन ये शुगर फ्री की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये कैसा शुगर फ्री हुआ है जिसमें इतना ग्लूकोज है? और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड देखिए 110 है। तो कोई आदमी जब इसको खाएगा तो उसका इंसुलिन बहुत बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ेगा, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
तो इसलिए जो प्रोटीन पाउडर जिनमें माल्टोडेक्सट्रिन मिला रहता है वो मेरे ख्याल से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये प्रोटीन पाउडर तो हम इसलिए खा रहे हैं कि इसमें प्रोटीन ज्यादा है, हम तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं। लेकिन प्रोटीन तो ठीक है, माल्टोडेक्सट्रिन तो ठीक नहीं है ना। और अगर आप डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं, डायबेक्सी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आपको प्रोटीन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो आपको डायबेक्सी के प्रोडक्ट में ही आसानी से खूब मिल जाता है। अब जैसे ये डायबेक्सी आटा आप देखिए, इसमें देखिए 40% प्रोटीन तो यहीं पे है 100 ग्राम में। और आप ये डायबेक्सी का आप ये एलमंड बिस्किट्स देख लीजिए, एलमंड कुकीज, या आप डायबेक्सी का ये ब्रेकफास्ट देख लीजिए। सो इसमें कितना सारा प्रोटीन है, नॉर्मली डायबेक्सी के जो प्रोडक्ट है उनमें खूब सारा प्रोटीन आपको मिलता है। और आप डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं, डायबेक्सी के प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आदमी को पूरे दिन में अप्रोक्सीमेटली 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, और 100 ग्राम आटे से ही 40 ग्राम प्रोटीन तो आपको यहीं से मिल गया, और बाकी और चीजों से भी मिल जा रहा है। तो अगर आप डायबेक्सी के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें खूब सारा प्रोटीन होता है, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो माल्टोडेक्सट्रिन का एकदम ध्यान रखना है, वो जिस फूड प्रोडक्ट में हो उसको अवॉइड करना, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। दूसरा प्रोडक्ट जहां पे ये माल्टोडेक्सट्रिन खूब मिलता है वो आप देखेंगे शुगर फ्री की ये गोली, या शुगर फ्री जो बल्क स्वीटनर होते हैं जिसमें ये आपको ऐसा ऐड दिखता है कि भी एक चम्मच चीनी की बजाय एक चम्मच ये डाल दो और ये शुगर फ्री है, उसमें या तो आपको माल्टोडेक्सट्रिन मिलेगा या डेक्सट्रोज भी मिल सकता है। तो माल्टोडेक्सट्रिन जो है वो 100% ग्लूकोज है, ये डेक्सट्रोज भी ग्लूकोज है और ग्लूकोज भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक लोड 100 है, डेक्सट्रोज का ग्लाइसेमिक लोड 100 है, और माल्टोडेक्सट्रिन का ग्लाइसेमिक लोड 110 है। और ये सब शुगर फ्री में मिले होते हैं, तो ये कैसा शुगर फ्री है। दूसरी तरफ आप देखिए डायबेक्सी शुगर जो है इसमें ऐसे कंपोनेंट हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 10 से नीचे है। इसमें जो पोलियोल है या ओलिगोफ्रुक्टोज जो यूज किए गए इनका ग्लाइसेमिक लोड 10 से नीचे है। तो डायबेक्सी हमेशा जब भी कोई फूड प्रोडक्ट बनाता है तो इस चीज का खास ख्याल रखता है कि ग्लाइसेमिक लोड कम से कम होना चाहिए जो भी हम इंग्रेडिएंट उसमें यूज कर रहे हैं। और आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आप फूड खाते हैं डायबिटीज में ग्लाइसेमिक लोड कम होना चाहिए। और हर फूड का ग्लाइसेमिक लोड जानने के लिए आप डायबेक्सी का ये ग्लाइसेमिक लोड वाला चार्ट ले सकते हैं, ये डायबेक्सी की वेबसाइट पे भी मिलता है और अमेजोन पे भी मिलता है। इसमें 300 के आसपास फूड आइटम का ग्लाइसेमिक लोड लिखा हुआ है, और डायबिटीज में डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना बहुत जरूरी है। ये माल्टोडेक्सट्रिन एक फूड आइटम और होता है बेबी फूड प्रोडक्ट, उसमें भी खूब मिलता है, वहां पे भी आपको ध्यान रखना है। जो बेबी फूड प्रोडक्ट है आपने देखा होगा कि ये जो बेबी फूड प्रोडक्ट जो आते हैं इनको पानी वानी में दूध में मिला के ऐसे देते हैं तो इससे बच्चा थोड़े दिन में मोटा होने लगता है ना, गोलू मोलू सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि तो बहुत बढ़िया हो गया बच्चा, गोलू मोलू हो गया, हेल्दी हो गया। लेकिन इनमें माल्टोडेक्सट्रिन है, माल्टोडेक्सट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, तो ये इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है तो उससे डायबिटीज हो सकती है। तो जब हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला कोई फूड खाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वजन बढ़ने लगेगा। और छोटे बच्चे को इतना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हम देंगे, इतना हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड देंगे, और उसमें हम बचपन में ही अगर ओबेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, बचपन में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो फ्यूचर में जाके उसको डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो हम तो बच्चे को गोलू मोलू बनाने के लिए ये फूड आइटम दे रहे थे और पता चला है तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकता है। तो जब भी कोई फूड प्रोडक्ट खरीदें ग्लाइसेमिक लोड का स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड, ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आपका इंसुलिन बढ़ाता है, और ज्यादा इंसुलिन बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने से डायबिटीज होती है। तो मैं माल्टोडेक्सट्रिन को बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं मानता। माल्टोडेक्सट्रिन के बारे में आप अपनी रिसर्च खुद करें,
इंटरनेट पे जाएं, माल्टोडेक्सट्रिन के बारे में सर्च करें, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में सर्च करें और देखें, और फिर अपना डिसीजन खुद लें। डायबेक्सी के स्टूडेंट बनिए, डायबेक्सी से जुड़िए, डायबेक्सी से सीखिए, लेकिन अपना डिसीजन आप खुद लीजिए। डायबेक्सी से आप जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा आपको। और आज आपको माल्टोडेक्सट्रिन के बारे में अपनी रिसर्च करनी है। थैंक यू।